जैसा कि आप सब थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं जी हां तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री एंड इतिहास का टेन ईयर्स का क्वेश्चन बैंक कवर करने वाले हैं जी हाँ और आप सबको पता ही है कि बिहार बोर्ड का एक रूल है कि वो टेन ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जी हाँ और अगर आप सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी हाँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको क्लास क्लास तक बने रहना है और अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना जी हाँ और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और टाइम पर आप क्लास को अटेंड कर सके जी हाँ तो हम लोग इसी तरह यानी सेट वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे और हम लोग इस तरह के टोटल दस मॉडल सेट को कवर करेंगे तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है और साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता दे जाना है अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जी हाँ है। और जो भी क्वेश्चन हो जो भी डाउट हो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं जी हाँ है। क्योंकि क्लास का लिंक टेलीग्राम में डाल दिया जाता है चलो तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्यों चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या बोला जा रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकू का टीला कहा जाता है जी कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी मोहन जोधड़ो को मृतकु का टीला कहा जाता है चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला जा रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है जी हाँ भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है तो यहाँ पे टाइटन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं कनिंगम चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है थ्री में और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन थ्री का करेक्ट होगा सिंधुवासी निवासी धातु उपयोग तो नहीं करते थे जी हाँ कौन से धातु का उपयोग नहीं करते थे जी जहाँ तो मैं थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना लोहा का उपयोग नहीं करते थे चलिए क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला क्वेश्चन नंबर फोर में जी फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन है पे करेक्ट होगा क्या बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है जी हाँ तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हे मोहन जोधड़ो से मिली है चलिए अब क्वेश्चन नंबर फाइव को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की जी हाँ किसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे तो यहाँ पर फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी ने हिंद यूनानी ने चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला जा रहा है सिक्स में वेरी गुड तो राइट आंसर बताइए शक संवत का आरंभ किसने किया था जी हां किसने शक संवत का आरंभ किया था तो सिक्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी ने किसने किया था कनिष्क ने किया था चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन में सेवन में करेक्ट होगा क्या बोला जा रहा है किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी जी हाँ किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी यहाँ पे सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हे सात वाहन ने चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है मनुस्मृति की रचना काल है जी हाँ इसका रचना काल क्या है मनुस्मृति का एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हे दो ईसा पूर्व से सौ ईस्वी चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोला जा रहा है नाइन में फटाफट एड्रेंस होती है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मृक्ष कटिकम रचना है जी हाँ तो किसकी रचना है मृक्ष कटिकम तो नाइन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी सुधरक की चलिए तो क्वेश्चन नंबर टेन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है चैत ये क्या है जी हाँ तो चैत यह क्या है फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वेरी गुड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी हाँ? चैत ये क्या है एक पूजा स्थल है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन और आप लोग राइट आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इलेवन में करेक्ट होगा जी हाँ तो क्या बोला जा रहा है बारह अंग संबंधित है जी हाँ तो कौन से धर्म से बारह अंग संबंधित है तो इलेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी यानी जैन धर्म से है चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है संगम साहित्य की रचना हुई है जी हाँ तो कहाँ हुई है संगम साहित्य की रचना तो ट्वेल्व का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी दक्षिण भारत में हुई है चलो तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी और राइट एंस बताइए कौन सा थर्टीन में करेक्ट होगा सात वाहनों का सबसे महान शासक कौन थे जी हाँ कौन सात वाहनों के सबसे महान शासक थे तो थर्टीन का राइट्रेंस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी गौतमी पुत्र सात करनी चलिए तो देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन और अकबर नामा की रचना किसने की अबुल फजल ने आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टीन और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा और क्लास को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना की है क्योंकि हम लोग टेन ईयर्स का क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए तो फिफ्टीन को देखिए क्या बोला जा रहा तो है अकबर का वित्त मंत्री कौन था जी हां तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था यहाँ पे टाइटल्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी टोडरमल था चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची जी हां तो किसके काल में पहुंची थी तो यहां पे टाइटल्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी जहांगीर के काल में चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन और राइट आंसर होती है सेवेंटी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा लाडली बेगम किसकी पुत्री थी जी हाँ लाडली बेगम किसकी पुत्री थी जी यहाँ तो राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं नूर जहाँ की पुत्री थी चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एटीन और आप लोग राइट आंसर होते हैं एटीन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्या बोला जा रहा है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया जी हाँ चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी जहां आरा ने करवाया था चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था जी हाँ तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी बहादुर शाह जफर था तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन ट्वेंटी में करेक्ट होगा गोपुरम से आप क्या समझते हैं जी हाँ आप क्या समझते हैं यहाँ पे

बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे जी हाँ तो इनमें से कौन बंगाल के प्रसिद्ध संत थे तो ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी चैतन्य महावर प्रभु चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या बोला जा रहा है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है जी हाँ तो किसको सुल्तान उल हिंद कहा गया है तो ट्वेंटी फोर में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है चलिए तो अब क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव देख लेंगे क्या बोला जाए ट्वेंटी फाइव में फटाफट आंसर बताइए यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है जी हाँ किसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया है तो ट्वेंटी फाइव में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी ने हेनसंग को चलिए तो आप लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स और आप लोग राइट आंसर बताइए ट्वेंटी सिक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था जी हाँ तो कौन से मुगल शासक के दरबार में आया था तो मैं ट्वेंटी सिक्स में राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ जहांगीर के काल में आया था चलिए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है जोतदार प्राय कहाँ रहते थे जी हाँ तो जोतदार कहाँ रहते थे तो ट्वेंटी सेवन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी गांव में रहते थे चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और आप लोग राइट आंसर बताइए ट्वेंटी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ तो क्या बोला जा रहा है अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था जी हाँ तो किसको माना गया था तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं जमींदार को माना गया था चलिए अब क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है अवध के समय अवध के साथ वेल जली ने सहायक संधि कब किया जी जिहाँ तो कब सहायक संधि किया था यानी वैल जली ने अवध के साथ तो ट्वेंटी नाइन में रेटनेस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिखा नहीं अठारह सौ एकस्वी में चलिए जब क्वेश्चन नंबर थर्टी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है थर्टी में राइटर रैटन, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अठारह सौ संतावन का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था जी हाँ तो कहाँ प्रारंभ हुआ था थर्टी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी मेरठ में हुआ था चले अब क्वेश्चन थर्टी वन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है अठारह सौ संतावन में बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था जी हाँ किसने किया था यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी वीर कुमार सिंह ने किया था चलिए तो आप तो देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी टू क्या बोला जा रहा 32 है थर्टी में फटाफट आंसर बताइए प्लासी किस राज्य में स्थित है जी हाँ तो प्लासी कौन से राज्य में स्थित है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बंगाल में चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी जी हाँ तो कब की गई थी तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी फोर और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया जी हाँ कब बनाया गया था तो दिल्ली को तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना उन्नीस सौ ग्यारह ईस्वी में चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन थर्टी फाइव क्या बोला जा रहा है भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया जी हाँ तो कब से जनगणना प्रारंभ किया गया भारत में यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अठारह सौ बहत्तर ईस्वी से चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन थर्टी सिक्स और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन में करेक्ट होगा जी हाँ क्या बोला जा रहा है बंगाल विभाजन किस वायस राय ने किए थे जी हाँ कौन से वायस राय ने किया था बंगाल विभाजन तो ये थर्टी सिक्स में आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वेरी गुड यानी बी हो जाएगा कर्जन ने किया था चलिए अब क्वेश्चन थर्टी सेवन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है सूरत फुट

जी हम लोगों ने मॉडल सेट वन कंप्लीट कर लिया मैंने आपको बताया कि आपको टेन ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कराएंगे तो अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट टू की ओर चलते हैं तो आपको क्लास क्लास तक बने रहना है अगर अब तक तो आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को आपको शेयर कर देना है जी हाँ ताकि वो भी किस क्लास का बेनिफिट उठा पाएंगे और आपको क्लास क्लास तक बने रहना है जी क्योंकि आप सबको पता ही है कि टेन ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है और आपको क्लास क्लास तक बने रहना है जी हाँ तो हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट टू की और आ चुके हैं तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ तो चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर को क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में फिर कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है जी हाँ कौन सी काल की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी यानी कौन सी की सभ्यता है चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है जी हाँ तो कौन से स्थल का उत्खनन हुआ सबसे पहले तो टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी यानी हड़प्पा का हुआ है चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन थ्री में करेक्ट होगा पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है जी हाँ कौन से पशु का चित्र नहीं है तो थ्री में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी साढ़ का चित्र नहीं है चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है जनपद शब्द इंगित करता है जी हाँ जनपद यानी जनपद शब्द किसको इंगित करता है तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नी प्रशासनिक अधिकारी को इंगित करता है चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था जी हाँ तो राजकीय कृषि का प्रधान कौन था मौर्य काल में

मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है जी हाँ तो कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं आठ प्रकार के चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है प्राचीनतम वेद कौन है जी हाँ तो इनमें से कौन प्राचीनतम वेद है तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ ऋग्वेद चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोला जा रहा है नाइन में फटाफट आंसर बताइए कार्यों के सर्व प्रमुख देवता थे जी हाँ कौन सबसे प्रमुख देवता थे तो नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ इंद्र चलिए अब क्वेश्चन नंबर टेन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे जी हाँ तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं मखली गोशाल चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या बोला जाए इलेवन में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था जी हाँ तो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको तो ऑप्शन तो नंबर बी यानी बोध गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेल्व को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है निर्गव का अर्थ क्या है जी हाँ तो निर्गव का अर्थ क्या है तो ट्वेल्व में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी सन्यासी चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है फटाफट आंसर बताइए पानी के अष्ट अध्याय रचित है जी हाँ तो इसने, इसने कितने स्पीड में रचा गया है तो थर्टीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पाँच सौ ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया जी हाँ कौन से मुगल सम्राट ने किया था यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या बोला जाए फिफ्टीन में फटाफट आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था जी हाँ तो यानी जो स्टार्ट किया था वो अकबर ने किया था और जो प्रतिबंध लगाया था नहीं उसका बेटा जहांगीर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या बोला जा रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है जी हाँ तो कहाँ इसकी दरगाह स्थित है तो ये सिक्सटी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ अजमेर में चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन और आप लोग राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन सेवनटीन में करेक्ट होगा स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है जी हाँ किसके समय में हुआ है तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहाँ करेक्ट हो जाएगा चल अब क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है जी हाँ तो इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए तो देख लेंगे ने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन नाइनटीन में करेक्ट होगा अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी जी हाँ अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी है यहाँ पे नाइनटीन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ कृष्णदेव राय ने लिखी है चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और आप लोग राइट आंसर बताइए ट्वेंटी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला जा रहा है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था जी हाँ तो कौन सा विदेशी यात्री था तो ट्वेंटी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तो क्या बोला जाए ट्वेंटी वन में फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था जी हाँ तो कौन पुर्तगाली यात्री था तो ट्वेंटी कौन सा हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर डी जी हाँ इनमें से सभी ये सारे क्या थे नहीं पुर्तगाली यात्री थे चलिए तो, तो, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या बोला जा रहा है इब बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था जी हाँ कौन से सुल्तान के काल में भारत आया था यहाँ पर आंसर बताने जो मैं ट्वेंटी टू को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या बोला जा रहा है फिर फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा अल बरूनी किस साथ भारत आया था जी हाँ तो वो किसके साथ भारत आया था तो ट्वेंटी में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं महमूद गजनी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है किताबुल उर, किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तान्त है जी हाँ तो किताबुल रेहला में किसका यात्रा वृत्तान्त है तो ट्वेंटी फोर में ऑप्शन सी यानी बतूता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन में ट्वेंटी फाइव को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी जी हाँ कौन महिला रहस्यवादी संत थी तो ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन नंबर सी यानी रबिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है जी हाँ कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है तो ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी किश्ती सिलसिला चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या बोला जा रहा है पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं जी हाँ किस प्रकार की खेती अपनाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी सीरी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या बोला जा रहा है सिकमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था जी हाँ तो कौन पट्टे पर देता था तो ट्वेंटी में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो, जा, हो जाएगा जी रैयत देता था चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोला जा रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दीहा तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं बहादुर शाह जफर चलिए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी नाइन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है अठारह सौ संतावन के विद्रोह का प्रमुख यानी मुख्य केंद्र था दीघा तो मुख्य केंद्र क्या था अठारह सौ संतावन के विद्रोह का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या बोला जा रहा है मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई जी हाँ कब की गई थी तो थर्टी वन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं अठारह सौ संतावन ईस्वी में चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्टी टू को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता था दिख तो किसको माना जाता था यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखा नहीं डल होजी को माना जाता था चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या बोला जा रहा है थर्टी थ्री में तुम तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया नारा किस नारे को किसने दिया था जी हाँ आपने सुना ही होगा यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी फोर क्या बोला जा रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया जी हाँ तो करो ए या, या मरो का नारा किसने दिया था तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन थर्टी फाइव को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी हा? सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो थर्टी फाइव में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बारह मार्च उन्नीस सौ तीस को चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स क्या बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया कौन इसका नेतृत्व किया था तो थर्टी में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन्हें महात्मा गांधी ने चलिए आप क्वेश्चन थर्टी सेवन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दिया किसने किया था तो थर्टी में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन्हें महात्मा गांधी ने किया था चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन थर्टी एट क्या बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था जी हाँ तो कब इसको स्थगित किया गया था तो थर्टी एट में आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उन्नीस सौ बाईस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन थर्टी नाइन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है लाला का पूरा नाम क्या था जी हाँ तो लाला का पूरा नाम क्या था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी लाला राजपत राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्टी क्या बोला जा रहा है फोर्टी में फटाफट राइट होते कौन सा करेक्ट होगा संविधान सभा के अवस्थाई अध्यक्ष कौन थे जी हाँ इसके अवस्था अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी डॉ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी हाँ हम लोगों ने मॉडल सेट वन और मॉडल सेट टू को कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको बताया था कि हम लोग टेन ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे तो आज की क्लास में हम लोग दो ही को रहने देते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे जी हाँ क्योंकि फिर क्लास लंबा हो जाएगा जिसके कारण से मैं दो ही मॉडल सेट को आज कवर करता हूँ फिर हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना और जो भी स्टूडेंट इस चैनल ट्रे, पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके जी हाँ और अगर आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है मैंने लाइव कमेंट